दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं इंदौर और यहां आते ही पहुंच गया देखने एक फुटबॉल मैच। सुना है कि यहां एक खिलाड़ी बड़ा जबरदस्त खेलता है। अरे बोले तो यहां का रोनाल्डो है बाप। लगता है यही है वो खिलाड़ी और बेहतरीन चकमा देते हुए इन्होंने कर दिया है गोल। OMG, ये तो हमारे विक्रम जी हैं। अरे अब क्या करने वाले हैं सर आप? OMG, विक्रम जी का कार चलाने का अंदाज तो है एकदम अनोखा, लेकिन आप ना खाएं धोखा। इनका अंदाज है सबसे निराला, अपनी दबंग पर्सनालिटी से इन्होंने दुनिया को हिला डाला। क्योंकि विक्रम जी हैं इंडियाज फर्स्ट डबल एम्प्यूटी ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर। मेरा वादा है कि ये कहानी आपका जिंदगी के लिए नजरिया जरूर बदल देगी। विक्रम जी की कंप्लीट लाइफ है OMG और हर काम इनके लिए है बाएं पैर की बात। अक्सर हम दूसरों को देखकर ही डिसाइड कर लेते हैं कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं। जब RTO में विक्रम जी ने अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की एप्लीकेशन लगाई तो उन्होंने ये बोलकर रिजेक्ट कर दिया कि इनका गाड़ी चलाना दूसरों के लिए रिस्की होगा। जो लोकल RTO है, जब उसने रिजेक्ट कर दिया तो देन वी अप्रोच द स्टेट मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट जो थे। जब वहाँ भी बात नहीं बनती दिखी तो फिर हमने सेंटर में जो ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं उनसे मैं मिला। ऑलमोस्ट 1.5 साल लग गए जस्ट टू कन्विंस द पीपल दैट हाथ नहीं होना कोई लिमिटेशन नहीं है या उससे कोई रिस्क फैक्टर नहीं बढ़ जाएगा। और जब सभी अथॉरिटीज के सामने विक्रम जी ने अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाई तो फिर तो सभी का फिर फाइनली ये मानना था कि भाई लाइसेंस तो मिलना चाहिए। OMG, वैसे ये बात तो है, अगर आपको अपने कॉन्फिडेंस पर यकीन है और अपने इरादों पे भरोसा तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। विक्रम जी ने इस बात का सबूत दिया इंदौर की एक कार रेस जीतकर। सात साल की उम्र में हाई टेंशन वायर को पकड़ने से विक्रम जी ने अपने दोनों हाथ खो दिए, पर इन्होंने लाइफ के आगे घुटने नहीं टेके। शुरुआत में छोटे से छोटा काम भी बड़ा चैलेंजिंग लगा, पर इन्होंने सभी को हंस के एक्सेप्ट किया। I was motivated by my family to participate in all the activities. ट्रेनिंग हुई इनकी एक लिम्स के साथ हुई, एक विदाउट लिम्स हुई। जो आर्टिफिशियल लिम्स लगे थे वो इंडिया में वेदर के कारण काम नहीं कर पाए, तो जो दूसरी ट्रेनिंग थी विदाउट हैंड्स, जिसमें इनको सारे काम पैर से करने को एनकरेज किया। समटाइम्स यू नो थिंग्स माइट सीम वेरी बैड, बट एज दे से जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। देयर इज एक्चुअली नथिंग इम्पॉसिबल, इट्स ऑल इन द माइंड। इनके कॉन्फिडेंस ने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को लाइसेंस देने पर मजबूर कर दिया और हमें इंस्पिरेशन दी है कि जिंदगी के हर पहलू को हंस के कैसे गले लगाया जाए, कुछ खोकर भी जिंदगी को कैसे पाया जाए। आप एक ट्रू OMG हीरो हैं सर। OMG, ये मेरा इंडिया।